Hey there, welcome to The Quint. I am Zija Shirvani and in this episode of Lockdown Recipes, हम क्या बनाने वाले? सोयाबीन के गलावटी कबाब और दूध वाले पराठे. Yes, and if you're making faces at it right now, wait till you taste these because मेरी मम्मा के हाथ का खाना है. पुदीने की डंठल एक, ये तीन तीखी वाली मिर्ची, अदरक का 2 इंच का टुकड़ा, 8 से 10 लहसुन के जवे, 2 ये मोटी वाली मिर्ची और हरा धनिया. ये मेरे पास कटा हुआ था तो मैंने कटा हुआ ले लिया, बगैर कटा भी ले सकते हैं क्योंकि इसको पीस नहीं. ये सोयाबीन का चूरा है, गरम मसाला, ये है सौंफ, जीरा और धनिया. एक सबसे लास्ट के काम का, ये बाद में बताऊंगी. My mama learned to make these milk maida parathas from her mother. And since my nani is from Lucknow, I was under the impression that this is a Lucknowi style paratha. Turns out, it's her own creation. दो कप मैदा ले लिया है, हाफ टी स्पून नमक, हाफ केजी दूध है. दूध ठंडा नहीं होगा, गुनगुना दूध, क्योंकि मैदा है, अगर ठंडे दूध में गूंधते तो ज़्यादा हार्ड हो जाता है. और सॉफ्ट डो लगाना है इसका. तब तक हम कबाब की अपनी तैयारी कर लेते हैं. उसके लिए ये पानी रख दिया है हमने बॉयल होने के लिए, और इसमें डाल दिए हैं 2 चम्मच नमक के. अब हमारा पानी बॉयल हो चुका है, अब हम इसमें सोयाबीन का चूरा डालें और गैस बंद करें. इसको हम ठंडा होने के लिए नीचे रख देंगे और इतने में ये फूल भी जाएगा. तब तक हम अपने ये मसाले ये वाले दोनों भून लेते हैं. इसको हल्का सा बस भून जाए, खुशबू ज़्यादा तेज़ आने लगती है भुनने से, इसलिए. गलावट के कबाब में ये सब चीज़ें पड़ती हैं जो मटन वाला है, लेकिन अब वो तो है नहीं. हम तो इसको बना रहे हैं तो उसको कुछ कुछ टच देने के लिए, उसको कि उसकी खुशबू आए ज़रा, तो उसके लिए हम अब इसमें जो हमने ये सौंफ, धनिया और ज़ीरा वो मिक्स कर देंगे, इसमें गरम मसाला जो लिया था पिसा हुआ वो मिक्स कर देंगे, और सबसे लास्ट में इसको बाइंड करने के लिए कि इसके कबाब टूटे नहीं, तो इसके लिए हम इसमें 2 टीस्पून ये भुना हुआ बेसन है, जिसको मैंने हल्का सा बस इसकी स्मेल ख़त्म हो जाए बेसन की, इतना इसको भुना है. मतलब आपके उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, अगर आपको लगता है कबाब टूट रहा है, नहीं बन पा रहा है, तो थोड़ा सा और बेसन मिला दें इसमें. लेकिन कम ही रखना है बेसन, ज़्यादा नहीं मिलाना है. 1 टीस्पून खटाई, ठीक है. अब इसको अच्छे से मिक्स कर लें. टिक्की बन रही है आराम से, बस इनको तवे पर डाल के तल लें. जले हुए कोयले को हमने रख दिया इस पे, और अब हम घी गरम करेंगे. घी के 1 कप दूध ये ऐसे फॉर्म में आ जाएगा. इधर हमने ये तवा रख दिया है गरम करने के लिए. ऊंचा वाला तवा होता है उसमें बनते हैं ये पराठे भी, रोटी भी, बड़ी बड़ी रोटियां बनाने का, पतली रोटियां बनाने का रिवाज है, तो इसी लिए ये वाला यूज़ करते हैं. मम्मा, हाउ डू यू फील अबाउट मी नॉट नोइंग हाउ टू कुक, हाउ टू मेक रोटी?
बेटा जमाना बदल गया है। How do you feel about this? गुस्सा आता है। एक तरफ घी लगाएंगे, ये जो हमने बना के रखा है घोल घी और दूध का, फिर पलट के दूसरी तरफ। थोड़ी सी गंदगी मछली है इसमें, क्योंकि ये दूध में गिरता गिरता है, बट टेस्ट भी उतना ही अच्छा होता है।